वंस अगेन आई हार्टली वेलकम टू इन द रिवीजन ऑफ द सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के रिवीजन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस यूनिट में मैं वही चीज़ें दोबारा दोहराने जा रहा हूँ जिसका जिक्र और डिस्कशन मैंने लास्ट बहुत सारे लेक्चर में किया है। तो जो भी है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकंड यूनिट वो आपको पता है, वो है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स यानी ऑब्स्टैकल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि बैरियर्स का मतलब क्या होता है। तो अलग अलग बात करते वक्त जो हमारी दिक्कतें आती है उसको बैरियर्स कहते हैं। तो फिजिकल बैरियर्स के बारे में भी मैंने जिक्र किया था। तो बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड द फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स किसे कहा जाता है? तो हमने जो एनवायरनमेंट में हमारे आजू बाजू में हमें बात करते वक्त जो डिस्टर्ब करते हैं, दे आर कॉल्ड द फिजिकल बैरियर्स। दे आर ऑल्सो नाउन एज द एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल बैरियर्स। तो उसमें इम्पॉर्टेंट किसका रोल है? वो है नॉइज। नॉइज किसे कहते हैं? नॉइज और डिस्टर्बेंस एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दिस व्हेन वी हैव ट्राई टू कैरी ऑन अ कन्वर्सेशन इन अ नॉर्मल टोन एंड वॉइस इन अ मूविंग ट्रेन और बस। हमारा बस का भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा, ट्रेन का एक्सपीरियंस रहेगा। हम जब नॉर्मली बात करते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं, सुनाई नहीं देता। दैट वन इज कॉल्ड द फिजिकल बैरियर। देन टाइम का भी एक बड़ा इशू है। देर इज इशू ऑफ द टाइम। क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ बैरियर व्हेन द टू कम्युनिकेटर्स कैन नॉट एडजस्ट देयर टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। दो लोग बातचीत करते हैं लेकिन एक दूसरे का जो टाइम है मैच नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। दिस वुड हैपन व्हेन द टू कम्युनिकेटर्स वर्क इन अ डिफरेंट शिफ्ट्स और व्हेन अ बिजनेस मैन वॉन्ट्स टू टॉक टू अ कलीग इन लंडन हुज ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट टाइम जोन्स ऑफ द टू कंट्रीज। तो ये जो है टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिकल बैरियर्स में। तो फिजिकल बैरियर्स में इतना काफ़ी है, बहुत सारा मैंने इसके पहले डिस्कशन किया था फिजिकल बैरियर्स के बारे में। नॉइज कैसा होता है, व्हीकल्स के आवाज़ कैसे होते हैं, जब हम घर में रहते हैं तो घर में भी कितनी दिक्कतें बात करने के लिए आती है, और मुंबई जैसे इलाके में तो पूछना ही मत। ये सब कुछ हमने बहुत सारे लेक्चर्स में देखा था। तो ये क्यों, आई एम जस्ट रिवाइजिंग ऑल दिस थिंग्स स्पीडली एंड देन आई विल फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देन साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, उसमें क्या होता है? एक्सेप्ट फॉर प्योरली फिजिकल बैरियर्स लाइक नॉइज एंड फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल बैरियर्स टू कम्युनिकेट आर इरेक्टेड इन द माइंड, एंड इन दिस सेंस ऑल आर साइकोलॉजिकल इन नेचर। थस द स्टेटस बैरियर एंड लैंग्वेज बैरियर आर ऑल्सो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इन दिस सेक्शन वी विल ब्रीफली और फोकस कवर सम ऑफ other psychological barriers which affect on the spot communication of business. ठीक है, तो different perceptions अलग अलग लोग होते हैं, ये भी एक psychological barrier है। People see things and react to situation according to their previous experience, according to their background, according to their idea of the life, according to their sense of the element or sense of the situation। ये सब पर वो सोच कर उनके दिमाग से कुछ तो अलग मतलब निकालते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंट परसेप्शंस। इन एक्ट अर्लियर वी हैड डिस्कस्ड हाउ द वर्ड स्कूल मास्टर विल ब्रिंग बैक प्लीजेंट हिज वर्कर्स लाफिंग एंड सिंगिंग एट देयर वर्क। ही मेमोरीज ऑफ पर्सन हुज स्कूल डेज वेर हैप्पी। जब स्कूल मास्टर का लफ्ज दिमाग आया वो, तो क्विकली हमें कुछ तो अलग दुनिया याद आती है। ये इसे क्या कहते हैं? ये डिफरेंट परसेप्शंस कहते हैं। देन वी हैड द रेसिस्टेंस टू चेंज। ये तो बहुत बड़ा फिजिकल ऑब्स्टेकल है कि हमें हम बदलना नहीं चाहते। खाली हमने ये भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था नेचर का, कि नेचर में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती, हर वक्त बदलते रहती है। सूरज उगता है, सूरज डूबता है, चांद निकलता है, चांद डूबता है, दिन होता है, रात आती है, ये सब कुछ चलता है। लेकिन आदमी बदलना नहीं चाहता, और जब तक आदमी नहीं बदलना चाहता तब तक ये साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन में रहेगा ही रहेगा। द अडल्ट ह्यूमन माइंड यूजुअली रेसिस्ट चेंज।
जो अडल्ट होते हैं, बदलना नहीं चाहते, जो भी है वही एक्सेप्ट करो, वही जिंदगी जियो. व्हेन अ मैसेज इज रिसीव्ड कंटेनिंग अ न्यू आइडिया, द पर्सन रिसीविंग द मैसेज अनकॉन्शियसली बिकम्स इनअटेंटिव. जो मिडिल क्लास नहीं कहेंगे हम उसको, मिडिल एज्ड पीपल कहेंगे, कि उनका बदलना, बदलने की ओर उनका कोई भी दिल नहीं होता, वो दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्व्स. तो ये भी रेसिस्टेंस टू चेंज, ये भी वन ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स है. देन अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस. कभी कभी क्या होता है कि हम खुद ही कुछ अजूम कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप बहुत सारों ने अजूम किया होगा कि अरे चलो अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, एक नवंबर से हो जाएगा, एक दिसंबर से हो जाएगा, कम से कम एक जनवरी से हो जाएगा. तो ये क्या है, आपके अजम्पशंस हैं. और जब वो आपने जो अजूम किया है उस तरह का भी चीज़ नहीं हुई, तो आप उसका कुछ तो अलग ही मीनिंग निकालते हैं. दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल बैरियर. मेकिंग अजम्पशंस इन अ कॉमन प्रैक्टिस विद मोस्ट ऑफ अस. Whenever we make statements like this is good, he is active, she is untidy, ये जो हम स्टेटमेंट हम आपस में बनाते हैं, तो हम कुछ तो अजूम करके ये स्टेटमेंट बनाते हैं. तो अजूमशन भी बहुत क्या होते हैं, बहुत ही बेरहम होते हैं मैं ये कहूँगा, क्योंकि अजूम्स की वजह से हमारा जो माइंड है एक ही एंगल से सोचने लगता है. तो जो अनक्लैरिफाइड अजूमशंस है वो हमें क्या कर देते हैं, they destroy our proper results. This results in the delay, loss of goodwill and non-action. इसमें ये आपका ideas turn कर दी जाती है. तो unclarified assumptions are really useless. Other kind of psychological barriers such like allness and the closed mind. कभी कभी क्या होता है, हमारा social mind होता है, बहुत सारी हम चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, समझते भी हैं, और कभी कभी हमारा माइंड है क्रूकेड माइंड होता है, क्लोज माइंड होता है. तो आगे वाला ओपन माइंडेड रहकर भी आपको उसका समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका माइंड क्लोज माइंड है. द एटीट्यूड्स ऑफ ऑलनेस एंड क्लोज माइंड आर रिलेटेड टू ईच अदर. दीज आर सम पर्सन्स. सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं who believe that they know all or everything about a subject and will therefore close their mind to new facts of the knowledge. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें लगता है कि they know everything, and if they know everything, why don't they need to open, to keep their mind open? ये सब कुछ होता है. देन कभी कभी डर यानी फियर, फियर भी साइकोलॉजिकल ऑब्स्टैकल है, साइकोलॉजिकल बैरियर है. तो फियर ऑफ सुपीरियर्स, फियर ऑफ इंफीरियर्स, फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, कोई तो हमें हंस रहा है, कोई तो हम पर कमेंट कर रहा है, डर रहता है अगर मेरी जॉब तो चली जाएगी क्या, या मेरा जो सीनियर है मुझे क्या कहेगा, ये सब कुछ दिमाग में जब तक रहेगा ना, वो साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन में पैदा करेगा. फिर आप बिंग फाउंड लैकिंग, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास नहीं है, नहीं है, और जो नहीं है इसका जो डर ज़्यादा सताता है. ऑल क्रिएट ऑब्स्टेकल्स टू अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेशन की तीन तरह मैंने आपको बताई थी, हॉरिजॉन्टल होता है, अपवर्ड होता है, और जो कम्युनिकेशन होते हैं इसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है. इसमें ये डर क्या करता है, आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में बाधा डालता है. दैट इज साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल. देन और क्या हम कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स. ये तो बहुत बड़ी बीमारी है दुनिया में. बहुत वक्त ऐसा क्या होता है कि हम खुद ही कुछ तो अजूम कर देते हैं और किसी और के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, दूसरों का तो नुकसान हो ही जाता है लेकिन खुद का उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हो जाता है. तो समटाइम्स प्रॉब्लम्स क्रॉप अप व्हेन यू सीड अ मैसेज ऑन वन चैनल एंड इट इज रिसीव्ड ऑन अनादर. ये होता है व्हेन पीपल कम्युनिकेट, दे कम्युनिकेट फैक्ट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस और वैल्यूज. एंड समटाइम्स इफ अ पर्सन कम्युनिकेट्स
his opinion to another person who receives the opinion as a fact, misunderstanding results. ये कब होता है? तो just I shared with you. एक कोई बंदा मैसेज भेज रहा है और आप रिश्यू कर रहे हैं, और रिश्यू करने के बाद उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग का पौधा बन जाता है, उसका पेड़ बन जाता है, और उसके जो फल है वो बहुत ही कड़वे लगते हैं. तो मिसअंडरस्टैंडिंग इज वन ऑफ द डेंजरस ऑब्स्टैकल्स और बैरियर्स इन साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन. देन वी हैव द हॉलो और हॉर्न इफेक्ट. ये क्या होता है? द हॉलो और हॉर्न इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट दैट द लिसनर हैज ऑफ द स्पीकर. कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट होता है और आपके दिमाग के, और वो ट्रस्ट को कोई थोड़ा सा भी डैमेज हो गया तो आप पागल हो जाते हो, और किसी आदमी पर ऑलरेडी यू डोंट बिलीव, फिर भी उसका आपको सीधी तरह आप सुन नहीं सकते. इफ़ यू ट्रस्ट द स्पीकर देन एवरीथिंग दैट ही सेज अपीयर्स वाइट एंड ट्रू. किसी पर आप भरोसा करते हो तो आप हर उसकी बात सच लगती है, और किस पर भरोसा नहीं करते तो उसने कितना भी सच कहा तो आपको सच नहीं लगता. झूठ लगता है या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो सच आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते. इफ यू डिस्ट्रस्ट द स्पीकर देन एवरीथिंग ही सेज अपीयर्स ब्लैक एंड अनट्रू. इसको क्या कहते हैं? द हेलो और हॉर्न इफेक्ट. देन इन अटेंटिवनेस, ये भी क्या है? इन अटेंटिवनेस भी दैट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल बैरियर्स. It is perhaps the barrier we come across most often. School and college professors find it difficult to teach when the students are inattentive. So, जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे व्हाट्सएप खेल रहे हैं, कोई मैसेज चैटिंग कर रहा है, ऐसा जब चल रहा है तो दे आर inattentive. तो टीचर क्या करे ऐसे बच्चों के सामने? You just imagine. Then वी हैव इमोशंस. कभी कभी इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, और वो अच्छी इमोशंस रहे तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ इमोशनल इश्यूज रहेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो द बैरियर इन कम्युनिकेशन. वाइल कंसिडरिंग द लैंग्वेज बैरियर वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड टू द इफेक्ट ऑफ इमोशनली लोडेड वर्ड्स लाइक प्रॉफिट एंड बोनस. वी मस्ट नाउ मेंशन हाउ सिंपल इमोशंस लाइक जॉय सॉरो वरी एक्साइटमेंट act as a barrier to communication. When we are happy, contented and secure, we ignore remorse, stories about the bad intentions of the management. On the other hand, we refuse to listen to any good points about the management when we are angry, frustrated, depressed or insecure. ये होता है जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है, यहाँ ये सब चीज़ें होती है. जब आप कोई इंस्टीट्यूशन पे मोहब्बत नहीं करते और वो इंस्टीट्यूशन आपके लिए कितनी भी अच्छी अच्छी प्लान्स लाए, फिर भी आप उसकी ओर ध्यान नहीं दोगे. और व्हेन यू लव द इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन आपके बारे में कुछ भी सोचे तो आपको कुछ भी नहीं लगता. दैट इज कॉल्ड इट इज अ पार्ट ऑफ द इमोशन. देन एब्स्ट्रैक्टिंग. एब्स्ट्रैक्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स. इन एब्स्ट्रैक्टिंग द लिसनर और द रीडर गेट्स इन टू द हैबिट ऑफ फोकसिंग हिज माइंड ऑन सम टॉपिक्स और डिटेल्स और ओमिटिंग ऑर्डर्स. In fact, abstracting is a good habit if it enables the person to select important aspects and omit inessentials. But it becomes a defect and barrier to communication when the person begins to omit the essential aspects. So this is also one of the elements in psychological barriers. ये सब कुछ हुआ है, फिर मैं आपके लिए once again I am repeating. You know why? What is why I'm repeating all these things? I think that at least all of you will watch this lecture and prepare through the point of the examination. Then we have slanting. Slanting bhi kya hai? Psychological barrier. In slanting, the communicator tends to give a slant or a bias to reality. It is a form of abstracting. In the sense that the communicator omits some important aspects of the message, and it is a form of
The allness in the sense that an attempt is made to make a part assigned to him, he might slant the person. Okay, so slanting is also one of the physical barriers is coming in, psychological barrier is coming in slanting ka jikr in detail kiya tha. Then polarization. क्या है पता है आपको व्हाट इज पोलराइजेशन? इसका भी हमने बहुत सारा डिटेल में देखा था. सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग एन एक्सट्रीम पोजीशन और स्टैंड ऑन एनी इशू दैट इज ब्रॉट बिफोर देम. दे रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज और टेक द अंडरस्टैंडिंग व्यू ऑफ देयर अदर पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसको भी पोलराइजेशन इसको पोलराइजेशन कहते हैं जो साइकोलॉजिकल बैरियर बनता है. देन स्नैप रिएक्शन भी बहुत ही कड़वी चीज़ होती है. दिस इज अनदर वे ऑफ शेइंग जंपिंग टू कंक्लूजन्स विदाउट लिसनिंग प्रॉपरली और अटेंटिवली. द लिसनर ड्रॉज हेस्टी कंक्लूजन्स एंड इवेल्यूट्स अ मैसेज. दिस इज अ सीरियस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. किसी का सीधी तरह सुनना नहीं और डायरेक्ट कंक्लूजन पे आना, दैट इज कॉल्ड द स्नैप रिएक्शन. वो ये जो स्नैप रिएक्शन है ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर होता है. नाउ द साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में हमने बहुत सारा देखा है, पहले भी देखा है, अभी भी मैंने आपको बताया. अब मैं आपको क्रॉस कल्चरल बैरियर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि जिसके बारे में कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है. व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, कल्चरल बैरियर्स इज recreated or erected and messages are misunderstood. For example, it is quite common in the West for men and women who know each other to lightly. So ये है cultural cross cultural जो barriers है ये everywhere है. अभी जब मुंबई में भी देखिए बहुत सारे अलग अलग communities के लोग आप अलग अलग सोसाइटियों में रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक दूसरे से पहचान नहीं होती क्योंकि देयर आइडियोलॉजी ऑफ द लाइफ डू नॉट मैच टू इच अदर. उसको कहते हैं क्रॉस कल्चरल बैरियर्स. देन बाय कल्चर वी मीन द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकल ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल. क्रॉस कल्चरल बैरियर्स आर रिलेटेड बाय डिफरेंट नेशनल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स, डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स, differences in language and literature, and even different perceptions of the time. Recently, cross-cultural barriers have become very evident on account of the process of liberalization, globalization, and multinationalization. Then, let me turn to another kind of communication barrier, that is the semantic and language barriers. इसके बारे में भी हमने बहुत सारी जानकारी एक्सप्लेन की थी. बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि उन्हें एक लैंग्वेज ही वो में बात करते हैं. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. शायद मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने वो एग्जांपल बताया था कि मुंबई में बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके भाषाएं अलग अलग है. एक आदमी जो कहता है दूसरे को समझ में नहीं आता है. ये जो इसे क्या कहते हैं, सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स कहते हैं. तो ये जो है ये इसको मिसकम्युनिकेशन इसकी वजह से होता है. या हिंदी जो है, बंगाली हिंदी है, कोई बिहारी हिंदी है, ये सब हिंदी लैंग्वेजेस आपस में मिक्स हो जाती है और इसकी वजह से सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर क्रिएट हो जाता है. तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ कि बहुत सारा मैंने इसके पहले एक्सप्लेन भी किया है. देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, इसका भी मैंने देखा है कम्युनिकेशन में. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम रहती है, कोई हायर अथॉरिटी होती है, कोई मिडिल अथॉरिटी होती है, कोई लोअर अथॉरिटी होती है, तो आपस में जब लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं तो कभी कभी बॉस का एम्प्लॉय समझ नहीं सकता, कोई कभी कभी एम्प्लॉय क्या कर रहा है वो बॉस को समझ में नहीं आता. ये जो चीज़ें होती है इसको ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स कहा जाता है. इसमें स्टेटस एंड पोजीशन इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. जब आपके ऊपर स्टेटस होती है तो आप कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. एंड व्हेन यू आर एम्प्लॉय आपको और यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पोजीशन एक्सेप्ट यूअर जॉब, तो फिर आपको कोई मतलब नहीं होता आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं. तो ये स्टेटस एंड पोजीशन भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बन सकता है. देन
वी हैव बाईपास्ड इंस्ट्रक्शंस, कभी कभी आप पर इंस्ट्रक्शंस लोड की जाती है, ऑफन इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट फॉलोड बाय देयर सबऑर्डिनेट्स बिकॉज बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड द सबऑर्डिनेट्स एट्रीब्यूट डिफरेंट मीनिंग्स टू द सेम वर्ड. एक ही लफ्ज होता है उसका अलग अलग मतलब होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट मीट मी इन द बैंक, ऐसा बताया गया सेंटेंस कहा मैंने, तो समझने वाला यदि मैं चाहता हूँ कि बैंक एजुकेशनल या सॉरी मैं चाहता हूँ कि ये मुझे कोई नदी के किनारे मिले, बैंक यानी किनारा, वो नदी का किनारा हो सकता है समंदर का किनारा, तो मैंने कहा कि जस्ट मीट मी नियर द बैंक, ऐसा मैं कहा. और यदि आपने बैंक यानी द इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी जहाँ पैसों की लेन देन होती है ये आपने सोचा, तो आप वहाँ जाओगे, मैं वहाँ जाऊँगा और ये मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा. इससे क्या कहते हैं, दैट इज द बाईपास्ट इंस्ट्रक्शंस. आपको प्रॉपर आपने उसका मतलब नहीं लिया, तो प्रॉपर मतलब लेने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, यू शुड हैव द प्रॉपर सेंस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडियाज, लिंग्विस्टिक नॉलेज. देन वी हैव रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम. समटाइम्स क्या होता है बहुत जगह, अभी लेट मी टेल यू, एज आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब भी हम कोई एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लेते हैं तो उस जब इंटरव्यू में एम्प्लॉय जो बात करते हैं तो उनकी जो हिंदी होती है, जो अंग्रेजी होती है या जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज होती है, जो मीडियम में वो बात करते हैं, पहले तो मैं तो पहले ही पूछता हूँ कि विच लैंग्वेज वुड यू लाइक टू प्रीफर, आइदर हिंदी और इंग्लिश, बिकॉज हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया. सो आई गिव द ऑप्शंस टू द एम्प्लॉय टू टॉक आइदर इन दिस टू लैंग्वेजेस, दो भाषा में से कौन सी भी एक भाषा आप इस्तेमाल कर सकते हो. जब एम्प्लॉय हिंदी भाषा इस्तेमाल करता है तो इसकी हिंदी इतनी रबिश होती है कि क्या बताए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर. एक तो बिहारी हिंदी हो सकती है, उनकी कोई राजस्थानी हिंदी हो सकती है, कोई भोजपुरी हिंदी हो सकती है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हिंदी है उसका तो उससे कोई मतलब होता ही नहीं. और अंग्रेजी भी बात करें तो अंग्रेजी ऐसे बात करते हैं कि उनका जो लफ्ज़ होते हैं उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता. तो ये जो सभी है दैट इज कॉल्ड द रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम. देन वी हैव बाईपास्ट इंस्ट्रक्शन, उसका बारे में मैंने पहले ही बताया कि बाईपास्ट इंस्ट्रक्शंस कैसे होती है. देन वी हैव फॉल्टी ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, इसके बारे में भी मैंने बहुत सारा जिक्र किया था, बहुत सारी चीज़ें बताई थी. वंस अगेन गोइंग टू रिपीट, फ्रॉम वन ऑफिशियल इन हायरार्की टू अनदर इट गेट्स डिस्टॉर्टेड बिकॉज टू सम एक्सटेंट इट हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड. सपोज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन इज टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दिस डिसीजन विल काय टाइम नंबर प्लीज आला 30 मिनिट होऊन गेलेगा 30 मिनिट ते 32 सेकंड 33 सेकंड हां जाऊ दे आता हो दे जाऊ दे पुढे काय प्रॉब्लेम लेट इट बी कारण 30 मिनिट 7 सेकंदाला थांबवलं पाहिजे आता लेट मी गो आहे. Then this decision will be in the form of a legally worded taken by the board of directors. मला एक म्हणायचं आहे, ह्यात तू डिलीट केलं होतं अगोदर अगोदर कट करून घेतलेलं नाही तर हजार तुकडे होते. Then it is not possible to pass the same resolution down to the factory hand. It will have to be put in some language and be accompanied by the interpretation or explanation so that the factory worker can understand the message. Very often, in the process of simplifying and interpreting, the message gets slightly distorted or changed. Then now, so I had discussed all these things which already we had seen. मैंने पहले देखा है हमने उसका मैंने वंस जस्ट मैंने क्या किया रिवाइज किया. अब कुछ थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ. कम्युनिकेशन गैप के बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हो व्हाट डज कम्युनिकेशन गैप मीन. कम्युनिकेशन गैप अराइजेस व्हेन द मैसेज ऑफ द सेंडर डज नॉट गो अक्रॉस द रिसीवर और गोज अक्रॉस ओनली पार्शियली. कम्युनिकेशन गैप क्या होता है, भेजने वाले ने मैसेज भेजा है रिसीवर को मिला ही नहीं या मिला है लेकिन वो दैट इज़ नॉट इन द प्रॉपर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन गैप. बाईपास्ट इंस्ट्रक्शंस
जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया था. बाईपासिव इंस्ट्रक्शंस आर अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बैरियर. द जूनियर पर्सन डज नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीनियर एज ही अट्रीब्यूट्स अ डिफरेंट मीनिंग टू द सेम. तो इसे क्या कहते हैं, बाईपासिव इंस्ट्रक्शंस. देन सेल्फ इमेज, इसके बारे में भी आज नहीं लेकिन पहले लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बहुत बताया था. सेल्फ इमेज इज द इमेज दैट अ पर्सन हैज अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी एंड हेंस बिकम्स अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. देन हॉलो इफेक्ट, इसके बारे में भी मैंने बताया था. दैट इज द हॉलो इफेक्ट इज अ लिंक टू द ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन. If there is lack of trust, it becomes a barrier to communication. जब ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट का ये मैटर आ जाता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इश्यू क्रिएट होता है आपके लिसनिंग स्किल पे. देन एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में भी मैंने आपको अभी भी बताया. एब्स्ट्रैक्टिंग इज द प्रोसेस बाई विच अ पर्सन फोकसेस हिज और हर माइंड ऑन सम टॉपिक्स और डिटेल्स वाइल इग्नोरिंग ऑदर्स. इट कुड बिकम अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. इसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं. स्लैंटिंग के बारे में भी मैंने बताया था. ये मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि स्लैंटिंग क्या होता है. स्लैंटिंग इज अ प्रोसेस बाई विच अ कम्युनिकेटर यूज अ स्लैंट और बायस टू रियालिटी. इट इज अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग एंड देयर फोर कुड बिकम अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. देन नाउ आई हैव रीच्ड एट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर. कुछ ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए रिवाइज करूँ, बता दूँ. नॉइज इज डेस्टेड बैरियर. बताओ मुझे, मैंने अभी अभी लेक्चर में बताया था कि नॉइज क्या है. तो नॉइज क्या है, ये फिजिकल बैरियर है. पीपल ऑफ डिफरेंट टाइम जोन्स ऑफन हैव प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन. अलग अलग टाइम में पीपल कम्युनिकेशन करते हैं तो ये प्रॉब्लम, ये एग्जाम्पल किसका है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेस्टेड बैरियर. किस प्रकार का बैरियर है, तो ये है फिजिकल बैरियर. टाइम का इश्यू जब भी आएगा उसको फिजिकल बैरियर कहना है आपको. पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज कैन नेवर हैव द बैरियर. दो पीपल है, एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो उनमें से कौन सा बैरियर उनमें आपस में डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो सिमेंटिक बैरियर आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा इफ यू आर टॉकिंग द सेम लैंग्वेज. देन डैश बैरियर ऑकर बिकॉज पीपल सी थिंग्स डिफरेंटली. ऐसा कब होता है कि लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं और आपस की बातें एक दूसरे को समझ में नहीं आ रही है, तो इसे कौन सा बैरियर कहा जाएगा. तो इसे कौन सा कहा जाएगा, दैट विल बी द साइकोलॉजिकल बैरियर. डैश इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट दैट द लिसनर हैज ऑफ द स्पीकर. इसमें क्या है, ऐसा कौन सा बैरियर है. डैश इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट दैट द लिसनर हैज ऑफ द स्पीकर. क्या है, तो वो कौन सा बैरियर है. That one is the hello or horn barrier. Then the adult human mind usually resist. इसका भी मैंने बताया था. जो adult mind है कभी बदलना नहीं चाहते. They don't want to change. कभी भी बदलना नहीं चाहते. तो they resist to change. बदलने के लिए उनका oppose होता है. वो कभी भी बदलना नहीं चाहते. In high context culture, reliance on dash is low. भरोसा करना, किस पे भरोसा करना, ये बहुत ही लो होता है. वो होता है वर्ड्स पे भरोसा करना इन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है. देन डैश कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं तो वह कौन सा कम्युनिकेशन करना मुश्किल है, तो ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही टफ जाता है. देन ऑलनेस एंड डैश आर रिलेटेड टू ईच अदर. ऑलनेस और ऐसी कौन सी चीज़ है जो तो एक दूसरे से रिलेट है, और वो है क्लोज्ड माइंड. ऑलनेस एंड क्लोज्ड माइंड एक दूसरे से रिलेट है. इन ऑर्डर टू अवॉइड क्रॉस कल्चरल बैरियर्स वन मस्ट यूज मोर हॉट मोर प्रिसाइज वर्ड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्रॉस कल्चरल बैरियर्स पर को फेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के छोटे छोटे लफ्ज या प्रिसाइज वर्ड्स इस्तेमाल करना जरूरी है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे की लैंग्वेज, एक दूसरे का जो इश्यू समझ सकोगे. देन इन दिस लेक्चर आई अटेम्प्टेड टू फोकस ऑन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इवन आई फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो दिस लेक्चर विल बी रियली हेल्पफुल इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने ये लेक्चर इस तरह ले लिया है कि जिसकी वजह से आपको एग्जाम में बहुत अच्छी तरह आइडिया आ जाए, क्योंकि मैंने
हर एक बैरियर के लिए मैंने एक पूरा लेक्चर दिया है, अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए है, लेकिन फिर भी इस लेक्चर में मैंने सभी इकट्ठा दोबारा रिवाइज किया है। तो ये दोबारा रिवाइज नहीं किया जाएगा, आपको ये लेक्चर बार बार देखना है, जिसकी वजह से आपको जो अलग अलग बैरियर्स है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन ये पूरा समझ में आएगा। सो नाउ लेट मी कंक्लूड माई लेक्चर हियर। थैंक यू।